नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यदि किसी भी व्यक्ति का क्रिप्टो में एक भी रुपया लगा हुआ है तो ऐसे में अपने दोनों हाथों को कंट्रोल में रखकर इस वीडियो को लास्ट तक देखकर अभी की अभी एक्शन लेना महापाप इमरजेंसी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने अभी तक बिटकॉइन के अंदर जो डंप का गेम देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। अब होगा असली गेम स्टार्ट। और सबसे मजे की बात यह है, इसी गेम के बारे में इतने जबरदस्त पावरफुल तरीके से बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। याद रखना, समय से बहुत पहले चेतावनी दे रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। और यदि आपके पास में सोल और बोन कॉइन है तो इस वीडियो को चाहकर भी हाथ से मत निकलने देना। लगे हाथ एक जबरदस्त कॉइन के बारे में नेक्स्ट सुपर रैली की बात बताने वाला हूं। कुल मिलाकर वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम को लेकर, और इसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ तीन बातें बता रहा हूं, दिमाग में बिठा लीजिएगा, यह आपके लिए 200% तक काम कर सकती है। पहली बात, बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम पर इस जबरदस्त रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ा था। और मेरे भाई, इसका ब्रेकआउट होते ही क्या हुआ वो हम सबने देखा। और मेरे भाई, अब बिटकॉइन की प्राइस वापस आ चुकी है इसी जबरदस्त जोन के आसपास। जितने जबरदस्त तरीके से यह जोन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उतने ही जबरदस्त तरीके से अब यही जोन सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यानी कि बिटकॉइन को इस जगह एक मेजर सपोर्ट मिलेगा, यहां पर मेजर सपोर्ट मिलेगा, यहां पर बिटकॉइन को अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। चार्ट यह बता रहा है, यदि करता है देन फ्रेंड्स फिर से हमारे को तीन टारगेट देखने को मिलेंगे। पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह। दूसरी बात, अभी भी बिटकॉइन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बुल ट्रेंड के अंदर ही है, बियरिश ट्रेंड में नहीं आया है। तीसरी बात, यदि मेरे दोस्तों गलती से भी अगर बिटकॉइन ने इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक कर दिया इस बड़े टाइम फ्रेम पर, तो फिर बिटकॉइन के अंदर हर बार होल्डिंग से पहले जो बहुत बड़े लेवल का गेम होता है वो होना तय है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस जगह को बिटकॉइन होल्ड करेगा या नहीं। तो इसके लिए मैं एक आपको दूसरा चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो अब मैंने बिटकॉइन का दूसरा चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। मैं आपको सुपर लेवल की वो बात बताऊं जो आपने नहीं जानी है। उससे पहले इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ एक दिन पहले इसी चार्ट के माध्यम से जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर चल रही थी, तब मैंने आपको समय से बहुत पहले चिल्ला चिल्लाकर बिटकॉइन के बारे में क्या बोला था, क्या वैसा हुआ या नहीं। मैं बिटकॉइन की प्राइस हमारे को सबसे पहले इस जोन के बीच में या इससे नीचे करने के बीच दिखा सकती है। अब आप बोलेंगे ये क्या मजाक है, ऐसे बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ जाएगी? नहीं मेरे भाई, इसका एक डबल कंफर्मेशन है। वो क्या? मैं आपको जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर चल रही थी तब से लगातार इन्फॉर्म कर रहा हूं, हर एक वीडियो के माध्यम से अभी प्रूफ भी दूंगा कि मेरे भाई बिटकॉइन का जो सबसे नियरेस्ट सीएमई गैप है वो इस जोन में बैठा हुआ है, $39 से $40 के बीच में। और बिटकॉइन 99 पॉसिबिलिटी के साथ में अपने नियरेस्ट सीएमई गैप को भरने के लिए आता है। यदि मुझे यहां पर बिटकॉइन की प्राइस इस जोन के बीच में इससे नीचे कैंडल के बीच दिखाती है तो यहां पर मैं पहली स्पॉट की ट्रेड लूंगा। और तो आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको जोर देकर बोला, मैंने आपको यह भी बोला कि आप हल्के में लेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति सीरियस होगा वो समय से पहले सेफ होगा, मनी भी बनाएगा। कैसे मेरे भाई? जब यहां की प्राइस चल रही थी ना, तब मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अभी भी बिटकॉइन यहां पर जो सीएमई गैप बैठा हुआ है इसको फिल करने के लिए नहीं आया है, और आएगा 99% पॉसिबिलिटी इस बात की है, और आया भी। लेकिन मैंने तो आपको एक और नेक्स्ट लेवल की बात बताई थी। वो क्या? कि मेरे भाई आएगा लेकिन यहां पर 100 MA सपोर्ट भी बनाएगा, लेकिन इस जोन से नीचे के अंदर की भी देखने को मिलेगी, और देखने को मिली तो मैं बिटकॉइन के अंदर यहीं से स्पॉट की ट्रेड लूंगा। मैंने लिया और मैंने इसका अपडेट तुरंत आपको टेलीग्राम के अंदर दिया। अरे मेरे भाई, इसीलिए बोलता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री के अंदर है, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। अब मेरे भाई, यहां पर मैंने ट्रेड ले ली है स्पॉट की, और यहां से यहां तक टोटल मुझे इसके अंदर 4.39% का प्रॉफिट हुआ है। अब जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड के अंदर फ्रेंड्स, इस स्पॉट के अंदर से मैं 40% को सेल करूंगा और 60% पोजीशन को होल्ड रखूंगा।
अब ऐसा क्यों हो रहा हूं, सारी बातों को एक एक करके समझिएगा। सबसे पहली बात, डेली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल भी सही नहीं दी है। अब ये क्लोजिंग हमारे को यह बताती है कि जो बिटकॉइन का ट्रेंड है वो डेली टाइम फ्रेम पर बदल चुका है, यानी कि बियरिश हो चुका है 50% तक। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डरने की आवश्यकता है, नहीं मेरे भाई, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहां से सोचना है। और वो इसलिए मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन अपने सीएमई गैप को फिल करने के लिए आएगा, आ गया है। लेकिन मेरे भाई इसी के साथ में डेली टाइम फ्रेम पर इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, जबरदस्त बुलिश देखने को मिल रही है। यहां पर क्या बैठा हुआ है, एक जबरदस्त सपोर्ट बैठा हुआ है। यहां पर ये क्या है, 100 MA है, 100 MA और बिटकॉइन की प्राइस के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, इस वजह से बिटकॉइन यहां पर मिलने आया है। तो यहां पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट मिलेगा हमारे को, डरने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस जोन से नीचे नहीं आती है, 100 MA से नीचे नहीं आती है, और इससे नीचे आकर कहीं पर डेली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल क्लोजिंग हो तब तक। और यदि ऐसा होता है तो मैं आपको फिर से समय से बहुत पहले सारी चीजें बताऊंगा। तो मेरे भाई यहां पर उम्मीद है कि बिटकॉइन इसको होल्ड करना चाहिए। अब अगर करता है तो छोटे टाइम फ्रेम पर मैं बिटकॉइन के अंदर कैसे ट्रेड लूंगा, इसके लिए दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैं आपको बिटकॉइन के बारे में और नेक्स्ट लेवल की सुपर बात बताऊं, उससे पहले इस बात का एक और बड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि मैंने आपको एक दिन पहले जिस फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताया था उसके अंदर क्या हुआ। कि मेरे भाई यहां पर सपोर्ट तो ले रहा है बार बार, लेकिन लेकिन मैंने आपको कई बार लिक्विडिटी ग्रैब जोन के बारे में बताया है। अभी के हिसाब से यदि हम लिक्विडिटी ग्रैब जोन को देखने जाए तो वो बिटकॉइन के लिए बैठा हुआ है इस जोन में। और यदि यहां पर थोड़ा सा गेम हुआ, सपोर्ट यहीं पर बना था, लेकिन कैंडल की विक हमारे को इस लिक्विडिटी ग्रैब जोन के अंदर देखने को मिल सकती है। और यदि मुझे यहां पर देखने को मिला तो मैं यहां से बिटकॉइन के अंदर एक लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। तो आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि यहां पर भले ही सपोर्ट बना रहा है, लेकिन लेकिन मेरे भाई यहां पर बैठा हुआ है एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन और बिटकॉइन की प्राइस डेफिनेटली यहां तक आएगी। अगर आती है तो यहां से मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। आने के बाद में प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ, लगभग यहां से यहां तक मुझे 2.34% का प्रॉफिट स्पॉट में, जबकि ट्रेड फ्यूचर्स की थी। और लोगों के लिए मार्केट लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन हमारे लिए मार्केट सिर्फ पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है। और वो सब चीजें आप प्रूफ के साथ यहां पर देख सकते हैं। अब अगर आप में थोड़ी सी ईमानदारी है ना, तो एक लाइक बिटकॉइन के इस अपडेट के लिए कर दीजिएगा। अब मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन की प्राइस इस प्रकार से एक जबरदस्त लेवल के अंदर मूव कर रही थी। इसका इसने यहां पर ब्रेकडाउन कर दिया, इसके अंदर हमारे को कुछ इस प्रकार से एक चीज देखने को मिल रही है। तो मेरे भाई ये जो बुलिश चीज है वो अब काम करती है इस 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इस चीज का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास आएगा। मैं इसके अंदर पहले फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा, इस ट्रेड को पहले यहां तक खोलूंगा, फिर यहां तक। और मेरे भाई यदि फाइनली इसका इस बार वापस से ब्रेकआउट कर देता तो ये जोन और ये जोन, ये लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर क्या मिल रहा है, पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस। यदि इसको ही लेकर नीचे आता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हमारे को 4 आवर पर यह डबल बॉटम बनते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन सडनली कैंडल की विक इस जोन के बीच में देखने को मिल सकती है। यदि मिलती है तो यहां से भी मैं अब बिटकॉइन के अंदर सेकंड फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा। अब हम बात करते हैं सोलाना कॉइन को लेकर, जो कि इस वीडियो की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, क्योंकि सोलाना डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत बहुत बड़ी जगह आकर खड़ा हो गया है। और वो कौन सी मेरे भाई, यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार, फिर यहां पर सपोर्ट मिला, यहां पर बार बार सपोर्ट मिल रहा है, और अब इसी सपोर्ट के आसपास यह आ चुका है। अब यहां पर बैठा हुआ एक बिगेस्ट सपोर्ट। लेकिन लेकिन मेरे भाई यदि बिटकॉइन के अंदर जो मैंने आपको गेम बताया अभी वो थर्ड लेवल का गेम होता है, तो ऐसी स्थिति में सोल इस जबरदस्त सपोर्ट को खो सकता है। यदि गलती से भी इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक भी डेली टाइम फ्रेम पर, तो डरा नहीं रहा हूं किसी को भी, समय से बहुत पहले बता रहा हूं क्या कि यहां पर यह बैठा हुआ है 100 MA, और इस 100 MA से सोल मिलने के लिए नहीं आया है पिछले बहुत दिनों से, क्योंकि इसमें लगातार एक बहुत बड़ा अपट्रेंड बना हुआ है। तो जैसे यहां इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है तो सोल देखने को मिलेगा सीधा इस जोन के अंदर। जो लोग इसको बहुत उच्च दामों पर खरीदना चाहते हैं वो वेट करें, आपको डिस्काउंट में मेरे अकॉर्डिंग यहां पर यह मिलेगा, पकड़ सकते हैं। अब मेरे भाई यहां पर आता है तो मैं इसके अंदर पहली स्पॉट की ट्रेड लूंगा 100 टाइम के लिए। लेकिन लेकिन सोल के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो यहीं पर है, और लिक्विडेशन भी यहीं पर बैठा हुआ है। तो यदि यहां पर देखने को मिला तो फ्रेंड्स मैं इस एंड के ऊपर भी सोल को सेकंड स्पॉट ट्रेड के साथ पकड़ने वाला हूं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर मैं इसके अंदर कैसे ट्रेड लूंगा, यहां पर सपोर्ट बना लेता है ऐसी स्थिति में, इसके लिए दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैं आपको सोल के बारे में और सुपर लेवल की बात बताऊं, उससे पहले इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि लास्ट से लास्ट टाइम मैंने आपको सोल के बारे में क्या बोला था, क्या वैसा हुआ या नहीं। यदि इसका ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास कहीं पर देखने को मिलता है,
तो मैं इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड लूंगा। इस ट्रेड को लेने के बाद में इसको यहां अब यहां पर मान लीजिए जिस प्रकार से करेक्ट चल रहा है, नीचे आता है, आने कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि मुझे इस जोन के बीच में या इससे नीचे का लेवल दिखता है तो भी मैं लॉन्ग ट्रेड इसके अंदर लूंगा। तो आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ-साफ इस जबरदस्त चीज के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि मैं दो प्रकार की फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा। पहले ट्रेड यहां पर इसका ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करने के लिए आया तो यहां से पकड़ूंगा, और लेने के बाद यहां से यहां तक फ्रेंड्स टोटल स्पॉट में 7.17% का पंप आया, जबकि ये ट्रेड फ्यूचर्स की थी 12 लेवरेज से लगभग 15% के आसपास मनी अर्न किया। और तो मैंने यह भी बोला था यदि मुझे इस जोन में देखने को मिला ना तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैंने पकड़ा। और यहां से यहां तक टोटल इसके अंदर मेरे भाई 9% का एक पंप आया, जबकि ये ट्रेड भी फ्यूचर्स की थी। यहां पर जो कुछ हो रहा है वो मजाक नहीं है। और बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि ये जो प्रूफ है वो तो 2 साल पहले का है। अरे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग हो ना तो दिमाग चलाकर देखना कि ये और ये चीज कितने दिनों पहले की है, पता चल जाएगा, क्योंकि जो कुछ है वो प्रूफ के साथ है। दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने सोल का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सोल की प्राइस इस प्रकार से चैनल के अंदर मूव कर रही है, लेकिन साथ ही में जब इस चैनल से नीचे आ रही है तो यहां पर कहीं सपोर्ट बना रही है, जो आप बार बार देख सकते हैं। इस बार फिर से सपोर्ट बना लिया है। अब मेरे भाई इस जोन से नीचे सोल के अंदर बिटकॉइन की तरह यहां पर हमारे को इस प्रकार से एक जबरदस्त चीज देखने को मिल रही है। यदि यहां पर इसका इस बार ब्रेकआउट अच्छा खासा ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने के लिए आता तो मैं यहां से इसको पकड़ूंगा लॉन्ग ट्रेड के साथ में। देन उसके बाद मैं इसको यहां तक होल्ड रखूंगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं इसको खींचकर यहां पर लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यदि इस चैनल के अंदर वापस मूव करने लगता है तो टारगेट यही होगा। अब यदि यहां से नीचे आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस सपोर्ट यहां पर बनाने के लिए आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी यह वाला जो डबल बॉटम है वो नहीं बना है, तो बन सकता है, और इसके लिए सोल की प्राइस हमारे को इस जोन के बीच में या इससे नीचे कैंडल के बीच दिखा सकती है। और ऐसा कुछ होता है तो मैं यहीं से या इससे नीचे से मैं इसके अंदर सेकंड फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा। अब हम बात करते हैं बोन कॉइन को लेकर। इसके बारे में सुपर लेवल की बात बताऊं उससे पहले इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि लास्ट टाइम पर मैंने आपको बोन के बारे में क्या बोला था और अब क्या हो रहा है। तो आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ इस जबरदस्त चीज के बारे में बताया था। मैंने बोला था यदि यहां पर इसका वापस से ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने के लिए आता है, देन इसको यहां से मैं पकड़ूंगा, और मैंने पकड़ा, और मैंने टेलीग्राम के अंदर अपडेट भी दिया, और यहां से यहां तक यह फर्स्ट टारगेट देखने को मिला लगभग 16% स्पॉट आउट प्रॉफिट के साथ, जबकि ट्रेड फ्यूचर्स की थी। और तो मेरे भाई मैंने यह बोला यदि मुझे इस जोन के बीच में देखने को मिला ना तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैंने पकड़ा। और लोगों की लगातार यह डंप दिखा रहा है, लेकिन वही मेरे और आप सभी के लिए इसके अंदर यहां से एक जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है लगभग 11% का। तो मेरे भाई जो आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत मेहनत की जाती है, भले आप लाइक करें या मत करें, मैं मेरा हमेशा 200% दूंगा। दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने बोन का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बोन की प्राइस इस प्रकार से एक जबरदस्त चैनल के अंदर मूव कर रही है, और सबसे कमाल की बात यह है इसी चैनल के अंदर हमारे को एक जबरदस्त चैनल यह भी देखने को मिल रहा है। ये दोनों चैनल यह बताते हैं कि बोन जहां सबसे बड़े वीकली टाइम फ्रेम पर खड़ा हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। साथ ही में यदि बिटकॉइन थोड़ा सा भी पंप लिया तो यह ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। यदि जाता है तो यहां पर सबसे पहले इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास आएगा, तो मैं यहां से इसके अंदर पहली फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा। इस ट्रेड को मैं यहां तक होल्ड रखूंगा, और यदि यह काम करता है तो मैं इन सारे टारगेट्स इसको थोड़ा होल्ड करके निकाल दूंगा फ्यूचर्स की ट्रेड के साथ में। लेकिन मेरे भाई यदि यहां से नीचे आता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सपोर्ट फिर से यही बना सकता है। लेकिन कैंडल की विक इस जोन के बीच में या इससे नीचे देखने को मिली तो मैं ऐसे में इसके अंदर सेकंड फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा। और अब हम बात करते हैं एक एक्स्ट्रा कॉइन को लेकर, जो कि इस समय मुझे सबसे ज्यादा बुलिश लग रहा है, नाम है SEM। आज से पहले कभी भी चर्चा नहीं करी है, इसका चार्ट मैंने सीधा ओपन कर रखा है 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, जबकि वीकली टाइम फ्रेम पर इसके अंदर एक इतनी तगड़ी बुलिश पिक्चर बन रही है जो कि मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगा। बस उसी के अकॉर्डिंग यदि यहां पर फ्रेंड्स इसके अंदर रैली का गेम होता है तो देखिए 2 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे को ऑलरेडी एक जबरदस्त बुलिश देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस यहां पर मिल रहा है। यदि ये इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट कर देता है, रिटेस्ट करने के लिए आता है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पहले यहीं से लूंगा, और लेने के बाद में ये जोन ये और ये मिनिमम मेरे लेवल्स होंगे प्रॉफिट के। लेकिन मेरे भाई यहां से नीचे आता है बिटकॉइन में वापस डंप का गेम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मुझे देखने को मिल गया यह इस जोन के आसपास या बीच में तो मैं इसके अंदर एक लॉन्ग की सेकंड ट्रेड लूंगा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आज का यह है शानदार से भी शानदार पावरफुल वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो के अंदर वो सब कुछ मिला होगा जो आप सोच रहे होंगे। यदि फ्रेंड्स आपको दिल से मेरा वीडियो पसंद आया है तो यार अब दिल से एक लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि वो एक लाइक इस प्रकार का कंटेंट रातों रात जाग कर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आगे आप सबकी मर्जी है, आप सभी का साथ हमेशा चाहिए। साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जो कोई सवाल आपका हो पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।